नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। हमारे साथी विक्रम श्री विजय पूछ रहे हैं कि आरजीसीपी नॉट वर्किंग कैसे समझेंगे। देखो, जब भी आरजीसीपी काम नहीं करेगा तो कंप्रेसर अपने आप बंद और चालू नहीं होगा, या तो चालू ही रहेगा लगातार या चालू ही नहीं होगा। तो उससे समझेंगे कि आरजीसीपी काम नहीं कर रहा है। और आरजीसीपी काम क्या करता है वो हम वीडियो में आगे देखते हैं कि क्या काम करता है। लेकिन नहीं काम करता तो दो बातें मैंने आपको बता दी, या तो कंप्रेसर लगातार चलते रहेंगे या फिर चलेंगे ही नहीं, तो हमको BLCPD से क्लोज ओपन करके चलाना पड़ेगा। तो और देखते हैं आरजीसीपी के बारे में आगे वीडियो में, आइए। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्यारे प्रभु को प्रणाम। नारायण नारायण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुख भाग भवेत्। सभी खुश रहें, सभी प्रसन्न रहें, ऐसा मैं चाहता हूं। तो हमारे एक साथी ने जो मैंने कमेंट पढ़ के सुनाया है, तो उन्होंने लिखा है कि आरजीसीपी का वर्किंग समझाइए। हालांकि मैंने जो ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट का सर्किट समझाया है, उसका वीडियो बनाया है, उसमें आरजीसीपी का वर्किंग अच्छी तरह समझा दिया है, लेकिन फिर भी पूछा है तो कोई बात नहीं, फिर बता देते हैं। अपने को क्या है, हमारा काम ये बार बार बताना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आरजीसीपी सर्किट से तो मैंने उसमें बता दिया, आप लोग देख लेना। ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट निकाल के, ऐसा यूनिट वाला भी है और आरनो वाला भी है। तो अब थोड़ा मुंह से बता देता हूँ। तो आरजीसीपी का फुल नाम है रेगुलेटिंग गवर्नर फॉर कंप्रेशर। ये अधिकतर PC1 में लगा रहता है, किसी किसी में न्यूमेटिक पैनल पर भी लगा रहता है। इसका एक कॉक भी होता है, वो कॉक हमेशा खुला होना चाहिए। वो कॉक इसलिए होता है, कभी कभी आरजीसीपी खराब हो जाती है तो मेंटेनेंस स्टाफ ठीक करने के लिए आता है, तो नई आरजीसीपी लेके आता है, उस कॉक को बंद करता है, उसको खोल के ले लेता है, दूसरी आरजीसीपी लगा देता है। वो टेस्टिंग की हुई रहती है टेस्ट बेंच पर, इसके लिए वो कॉक रहता है, कॉक हमेशा खुला होना चाहिए। दोस्तों, और भी वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए चैनल पे जाके, और प्लेलिस्ट में जाके जो भी वीडियो आपको टॉपिक वाइज मिलेगा, आप वीडियो देख के अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और ऑडियो सुनने के लिए खबरी ऐप पे जाइए, खबरी ऐप का भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहां से आप क्लिक करके खबरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए और फॉलो कीजिए, ताकि आप अच्छे अच्छे ऑडियो सुन सकें, आपका नॉलेज पावरफुल हो जाए। नॉलेज पावरफुल होता है तो आप कहीं भी काम कर सकते हैं, सीधी सी बात है, बिना डर के। इसलिए नॉलेज को हमेशा बना के रखें। जिस चीज को आप वर्क कर रहे हैं उसका नॉलेज की बात कर रहा हूं, उसको परफेक्ट रखें। यूं नहीं कहा क्रिकेट का पूरा नॉलेज रखना है, वो नहीं रखोगे चलेगा, दूसरा दुनिया का नॉलेज नहीं रखोगे चलेगा, लेकिन जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है, आपका परिवार पलता है, उसका नॉलेज आपको रखना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो बात करते हैं आरजीसीपी की, बात कर रहे थे हम लोग। तो आरजीसीपी का काम है अपने आप कंप्रेसर को चालू करना और बंद करना। अब कैसे करता है, जब प्रेशर बढ़कर 9.5 kg हो जाता है तो आरजीसीपी के ऊपर MR का एक पाइप कनेक्ट किया हुआ है, तो वहाँ इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट भी है अंदर, तो वो प्रेशर वहाँ भी जाता है। तो जब 9.5 kg हो जाएगा तो आरजीसीपी का इंटरलॉक C101, C102, C103 से हट जाएगा और उधर जो ऑटो ट्रेन वाले उधर लग जाएगा, उधर वीड वाल की तरफ लग जाएगा, है ना। तो फिर क्या होगा, कंप्रेशर बंद हो जाएंगे। और जब प्रेशर घटकर वापस 8 kg हो जाएगा तो वापस आरजीसीपी के ऊपर पाइप है, वो सेंस करेगा उसको, और उसका कांटेक्ट फिर से 101, 102, 103 पे लग जाएगा और कंप्रेसर को वापस स्टार्ट कर देगा। अब वहां पे दो कंप्रेसर, तीसरा 5 सेकंड बाद चलता है, वो एक अलग बात है, वो फिर वहां Q119 वाला रोल आ जाता है, वो अलग है, वो मैंने ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट में अच्छी तरह समझा दिया है, लेकिन यह आरजीसीपी ही खास बात कर रहे हैं। तो आरजीसीपी दो काम करता है, कंप्रेसर को अपने आप चालू बंद करना और ऑटो ड्रेन वाल्व को वीड वाल्व के थ्रू ऑपरेट करवाना, ये दोनों काम आरजीसीपी के हैं। तो आरजीसीपी का फुल नाम रेगुलेटिंग गवर्नर फॉर कंप्रेशर है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा आरजीसीपी का पूरा काम कहाँ लगा हुआ है, कॉक क्यों लगा, सारा काम आपको समझ में आ गया। फिर भी कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके बताइए। दोस्तों, कोई मुझे ऐसे बात करना चाहता है, कोई ऐसी समस्या आपके मन में, तो आप ईमेल कीजिए। ईमेल का भी एड्रेस मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, तो वहां से आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आपका नंबर भेजना, तो मेरे टाइम से मैं बात करूंगा। आप लोग कभी भी कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं किस किस का कॉल अटेंड करूंगा, इसलिए मैं अपने हिसाब से कॉल कर देता हूं, और जहां तक हो सकता है अपने स्टाफ को, ये सब मेरा ही स्टाफ है यार, किसी स्टाफ को कोई परेशानी हो तो मेरा भी दिल दुखता है, तो मैं ये गाइडेंस बताता रहता हूँ। हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ या मुझे सारा नॉलेज नहीं है,
जो बातें नहीं मालूम होती है वो मैं लिख देता हूँ, सॉरी मुझे इसका आइडिया नहीं, मैं क्या गोल गप्पे ठोकम ठोक नहीं करता हूँ, जो प्रैक्टिकली मेरा नॉलेज है वही मैं आपको दूंगा, जो मैंने किया हुआ है या करता हूँ वही नॉलेज दूंगा आपको मैं, जो नहीं मालूम है सॉरी लिख देता हूँ, उसमें क्या है, क्योंकि कई चीज़ें नहीं मालूम होती है। लोग बाग कभी रिजर्वेशन का कुछ पूछ लेते हैं, गाड़ी का कुछ पूछ लेते हैं, वो मुझे नहीं मालूम है, या स्टोर के बारे में या इस प्रकार कॉमर्शियल का कुछ पूछ लेते हैं तो वो मुझे नहीं मालूम रहता है, तो मैं लिख देता हूँ सॉरी। लेकिन जितना मालूम होगा वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। आपका नॉलेज परफेक्ट रहे लोगों के बारे में, इसका मैं खास ध्यान रखता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।